हेलो एवरीवन, माय नेम इज अंकुश एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर श्रीवास्तव। सो बहुत टाइम के बाद मैं एक फूड ब्लॉग लेके आ गया हूँ आप सबके साथ। तो अभी मैं खड़ा हूँ चाट लॉन्च के सामने, जहाँ मिलता है आरा का सबसे पहला राज कचौड़ी, जो कि आरा में और कहीं नहीं मिलता, बस यहीं पे आके आपको मिलेगा। और वैरायटी बहुत सारे स्नैक्स, मैं सब चीज़ आपको दिखाऊंगा। तो चलिए देखते हैं चाट लॉन्च क्या है, क्या मिलता है यहाँ पे, और क्या क्या प्राइस है उसके, और उसकी वैरायटी क्या है। तो चलिए देख आते हैं पहले आपको चाट लॉन्च का ये पीछे है। तो चलिए डायरेक्टली चलते हैं चाट लॉन्च। तो चाट लॉन्च में एंटर करते हैं। सबसे पहले आप चाट लॉन्च के गिफ्ट आइटम देख सकते हैं। ये गिफ्ट आइटम बहुत ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ज़्यादा प्रीशियस होते हैं। यहाँ आपको हर रेंज के गिफ्ट आइटम मिल जाएंगे। और जब आप डाइनिंग के लिए ऊपर जाएंगे तो सीढ़ियों के रास्ते में भी आप बहुत सारे गिफ्ट आइटम देख सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। और ये तो बस शुरुआत है, आप जब डाइनिंग के लिए ऊपर जाएंगे तो आपको बहुत सारे गिफ्ट वहाँ भी देखने को मिलेंगे। तो चाट लॉन्च में बच्चों का भी ध्यान रखा गया है। बच्चों के यहाँ पे बहुत सारे टॉयज़ हैं, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के टॉयज़ हैं, और यहाँ छोटे से लेकर बड़े टाइप के भी गिफ्ट यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। और बच्चों के लिए और यहाँ गिफ्ट देने के लिए सेलिब्रेशन और बहुत सारे टाइप के चॉकलेट भी रखे गए हैं, जो कि आप यहाँ चाट लॉन्च से ले सकते हैं। अगर आप अपने किसी लविंग वन को प्रिंटेड गिफ्ट देना चाहते हैं, जैसे कि प्रिंटेड मग, प्रिंटेड टी शर्ट, प्रिंटेड फ़ोन कवर, यहाँ से आप दे सकते हैं। चाट लॉन्च में ये भी अवेलेबल मिल जाएगा आपको। अगर मैं चाट लॉन्च की एम्बियंस की बात करूं तो चाट लॉन्च का एम्बियंस बहुत ज़्यादा क्लासिक लुक देता है, बहुत ज़्यादा रॉयल फील कराता है। तो चलिए देखते हैं चाट लॉन्च का एम्बियंस कैसा। प्रिपरेशन यहाँ पे चालू होने वाली है। तो क्या बना रहे भैया? तो राज कचौड़ी बनने वाली है। अगर आराम में हो, और राज कचौड़ी आराम में कहीं नहीं मिलता है भाई, खोजने की जरूरत नहीं है। चाट लॉन्च है पगड़ी चौक पे, आ जाओ डायरेक्टली यहाँ पे। तो राज कचौड़ी का प्रिपरेशन देखते हैं। कचौड़ी का प्रिपरेशन चालू हो गया है। तो भाई अभी से तो मुँह में पानी आने लगा है, देखते हैं कि और कितना टेस्टी टेस्टी यहाँ पे। और यहाँ पे भाई आ गया है वड़ा। कचौड़ी के बाद हमें अब सेकंड चीज क्या सर्व किया जा रहा है? काला जामुन जूस। ये जूस की खासियत है ना कि अगर शुगर पेशेंट हैं, नॉर्मली आज के मार्केट में आपको दिख जाएंगे, घर में, हमारे घर, आपके घर में दिख जाएंगे, कोई ना कोई शुगर पेशेंट होता ही है। तो नॉर्मली मार्केट या रेस्टोरेंट होटल में जाते हैं तो उनको इजिली कुछ नहीं मिल पाता जो खुद के लिए कंज्यूम कर पाए। तो इसलिए हम पूरे आरा शहर में हम लोग चाट लॉन्च में एक ऐसा भी जूस रखे जो आपको शुगर पेशेंट के लिए इजिली कंज्यूम हो सकता है, उनको कोई हानिकारक नहीं हो, जिसका नाम है काला जूस। आइए उसको उसकी अब हम प्रिपरेशन दिखाते हैं। We'll be right back.
खुशबू आ रही थी कसम से, उस टाइम मन कर रहा था कि बनाते बनाते ही उस टाइम खा लो, लेकिन अभी तो ब्लॉगिंग कर रहा हूँ तो इसमें तो बनाते बनाते नहीं, आप सबको दिखाना है। और वीडियो को बोलिए आतिश भैया क्या करना है, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं भाई, बहुत मेहनत करता है बस। तो डायरेक्टली चलते हैं टेस्टिंग पे, देखते हैं कि राज कचौड़ी कैसी बनी है। और आप सबको मैं रिकमेंड ज़रूर करूँगा, खाने से पहले ही बता देता हूँ कि मैंने जो बनते हुए देखा है उस हिसाब से भाई क्लास है इस राज कचौड़ी का। और सबसे पहली बात, ये जो आरा में कहीं नहीं मिलता है और आपको चाट लॉन्च में ही ये बस मिलेगा। और ये जूस भैया जी ने जो कराया है जूस, ये हेल्थ बेनिफिट के लिए बहुत अच्छा है। और चलते हैं बस। ये देखिए फुल्ली लोडेड है, इसमें ये अनार सारे हेल्थ बेनिफिट्स वाली चीज़ें, जैसे ड्राई फ्रूट इसमें भर भर के डाला गया था, और ये अनार भी है, पूरा प्लेट भर गया भाई साहब, इतना लोडेड आराम में मिल रहा है। तो मैं सबको रिकमेंड यही करूँगा कि प्लीज़ एक बार टेस्ट करने के लिए ही सही, लेकिन आओ ज़रूर यहाँ पे। तो डायरेक्टली अब टेस्ट चाट लॉन्च पकड़ी चौक में है, तो डायरेक्टली अभी टेस्ट करते हैं। आपको ये दिखा दिया कि इसके अंदर क्या है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं वड़े हैं, चने हैं, और मैंने बताया था ड्राई फ्रूट्स है, किशमिश है, ड्राई फ्रूट्स में सारी चीज़ें, ड्राई फ्रूट में जैसे काजू है, किशमिश है, और पापड़ी भी डाली हुई है। डायरेक्टली अब चलते हैं हम लोग टेस्ट पे, तो देखते हैं टेस्ट कैसा होता है। तो मेरे साथ मेरा भाई आया गुजरात से, और मेरे साथ मेरा आतिश भैया यहाँ के जनरल मैनेजर हैं, मतलब मैनेजर मैं कम, इनको बड़ा भाई बहुत मानता हूँ, और जितनी अच्छी पर्सनैलिटी है, जितना हम्बल नेचर है इनका, एक बार इनसे भी ज़रूर मिलना यहाँ आके, है कि नहीं भैया? तो चाट लॉन्च की आईडी भी है, सबसे पहले बता देता हूँ, चाट लॉन्च की आईडी पे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, और वहाँ पे बताते रहते नया इंट्रोड्यूस क्या क्या किया। अभी रिसेंट में इन्होंने गोलगप्पा इंट्रोड्यूस किया था, क्या क्या है गोलगप्पा में? जैसे हमारे पास दो टाइप के पानी पूरी हैं, नॉर्मली आपको मार्केट में आटे वाले पानी पूरी मिलेंगे, बट हमारे पास एक और है सूजी पानी पूरी, जो पूरे आरा में सिर्फ हम ही देते हैं। बात है पूरे आरा के मार्केट में कहीं भी आपको सूजी पानी पूरी नहीं मिलेगा, जो हमारे पास इजली मिल जाता है। और एनी जब कभी भी आप आएंगे तो सूजी पानी पूरी भी हमारे पास अवेलेबल होगा, और आटे वाले तो रहेंगे ही रहेंगे। हम तो एक बार करेंगे कि हमारा स्टार्टर में कभी पानी पूरी ट्राई जरूर कीजिएगा, फिर कुछ ट्राई कीजिएगा। पानी पूरी में मैं बता दे तो मैंने दो पानी पूरी ट्राई किया था, जिसमें कि एक दही वाला था, तो दही वाला सेव बटाटे पूरी थी। हाँ। और दही बटाटे, हमारे दही बटाटे बहुत सारे आइटम है, जो अंकुश ने ट्राई किया था वो सेव बटाटा पूरी था, और एक था दही बटाटा पूरी, और उसके बाद ये जब से खाया तब से पागल हो गया। ये जो मैंने दही वाले खाए थे, तो मैंने मतलब बाहर के रेस्टोरेंट में भी खाए हैं, जहाँ मतलब इससे भी एक्सपेंसिव मिलते हैं, लेकिन यहाँ जो लोडेड दही था ना इसमें, मतलब बता नहीं सकता, बहुत ज़्यादा लोडेड था। और जो दूसरा बहुत अच्छा था, और दूसरा क्या था वो सेव बटाटा पूड़ी, सेव बटाटा पूड़ी, उसकी खासियत मैं बताता हूँ। उसमें क्या था कि उसमें आपको स्टार्टिंग में पहले तो उसमें दो फ्लेवर के टेस्ट आएंगे आपको, सबसे पहले आएगा आपको उसमें सेव का टेस्ट, और दूसरे में इनका कुछ सीक्रेट मसाले हैं, वो उसका टेस्ट आ रहा था, जो दूसरा बस हाँ, तो जो उसका जो टेस्ट आ रहा था ना, वो मेरे रात भर वो मेरे मुँह में रहा था, और मैंने मतलब अपने घर के लिए भी अगले दिन लेके गए। तो मैं बोलूँगा कि यहाँ पे आओ तो वो चीज़ ज़रूर ट्राई करना, और राज कचौड़ी का तो मैं रिव्यू करना चाह रहा हूँ। तो चलिए राज कचौड़ी का रिव्यू करते हैं। सबसे पहले तो जो क्रंचीनेस है वो एकदम बहुत ज़्यादा, और जो ड्राई फ्रूट जो मैंने बोले थे सबसे पहले भी वही मैंने कहा। स्पेशलिटी ये है ना कि चाट के ऑलमोस्ट सारे मटेरियल्स में इनपुट हो जाते हैं। मैंने जैसे स्टार्टिंग में बोला था आपको, हेल्थ बेनिफिट वाले सारे जितने भी सामान हैं, और है जो दही का टेस्ट आ रहा है बहुत, मैं उसको रेटिंग में ही 11 दूंगा 10 में से, और नहीं डिज़र्व करते हैं कसम से, वो डिज़र्व करते हैं। और सेकंड चीज़ है जो टेस्ट आदमी खोजता है, आदमी सबसे पहले क्या देखता है, जगह अच्छी होनी चाहिए, टेस्ट अच्छा होना चाहिए जगह के लिए। तो इनको आप स्टार्टिंग में रेटिंग आप खुद लगा लो, कमेंट में बता देना क्या रेटिंग है। और रिव्यू की बात रही तो रिव्यू मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आप इसमें पैसे लगा रहे हो तो ये वर्थ है, बिकॉज इतने मेरे को यही सोचा था कि इनको कैसे वो प्रॉफिट होता है, क्योंकि इतना सारे मटेरियल डालने के बाद भी इतना कम रेट है, तो कैसे मतलब इनको प्रॉफिट होता होगा। लेकिन जो भी है अपने को मतलब है टेस्ट है, और टेस्ट बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा। जैसे एक स्पून में आपको दिखा दें, ऐसे एक स्पून में आप इसमें इतने सारे आइटम देख सकते होंगे, लाइट ज़्यादा है थोड़ा नहीं दिखेगा, आप आगे ट्राई कर लेना उसे। तो इसमें आपको ये दिखेगा चने, आलू, अनार, और ये कैरेट है ना, कैरेट, बीट। टेस्ट में सारे क्या रेटिंग क्या देंगे आप? 10 out of 10। लोग बोलते हैं हल्दीराम का राज कचौड़ी का, राज हल्दीराम का जाओ, या फिर फलाना डिंग का कहीं भी जाओ, मैं बोलता हूँ अगर आराम में हो
तो आरा में आरा आए भी हूँ घूमने, तो एक बार चाट लॉन्ज जरूर आओ, जरूर आओ, एक बार ट्राई तो करो यार, सबको एक बार मौका दिया जाता है। और मैं बोलूँगा कि अगर आप आरा में एक बार ये खा के जाओगे तो जब दोबारा आरा आओगे ना तो बिना खाए जाओगे नहीं, ये गारंटी है मेरी। तो रेट क्या होगा 135। सो राज कचौड़ी खाने के बाद अभी मुझे बहुत, मैं स्टमक फुल हो गया है, इतना मटेरियल था मैं बता दिया। और उसके बाद कुछ ये खाए, स्नैक्स खाने के बाद कुछ हेल्दी खाना बनता है और ज़्यादा, तो जैसा भैया ने स्टार्टिंग मेंटेन हो जाना चाहिए बेवरेज में। तो भैया ने जैसा बताया था स्टार्टिंग में जब इसका मेकिंग हो रहा था, तो हेल्थ बेनिफिट इसमें बहुत ज़्यादा है, इसको डायबिटीज़ वाले पेशेंट भी पी सकते हैं। और ये जामुन से बना है तो जामुन तो शुगर पेशेंट के लिए अच्छा ही होता है। तो जैसा कि आप इसका रिव्यू करने जाते हैं, कैसा टेस्ट आ रहा है इसका? ऊपर से तो ये बहुत ज़्यादा ठीक है, मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि घोटाला करके पानी डाल दिया गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चाट लॉज में ये सब नहीं होता भाई, प्रोफेशनल जगह ही है। तो ठीक बहुत ज़्यादा है, ऊपर से चिल्ड भी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जामुन को बस लिक्विड फॉर्म में ही खा रहा हूँ, तो इसका जो एसिडिक जो टेस्ट आता है ना, एसिडिक जो ऐसे ऊपर ही आके थोड़ा झाग टाइप के लगते हैं, थिकनेस और टेस्ट, इसको भी 10 में से मैं 9.5 दूंगा। क्योंकि अभी देखो, इसको 10 में नहीं इसलिए नहीं दिया क्योंकि अगर दोनों को मैंने सेम रेटिंग दिया तो आप दोनों में से कंपेयर कर, मतलब कि पहला कौन है अच्छा, आप ये कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसलिए मैंने उसको ज़्यादा दिया। वैसे ये भी 10 of 10 डिज़र्व करता है, हेल्थ बेनिफिट से लेके टेस्ट तक में। और जो इसकी थिकनेस है मुझे वो सबसे ज़्यादा पसंद आई, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैंने जूस भी पिया है तो उसका आप देखोगे ना, तो आप ऐसे गिलास ऐसे भी हिलाओगे तो उसका जो होता है ना भैया सारा दिख जाता है आपको। अगर पॉसिबल है तो मैं दिखा सकता था ऐसे, लेकिन ये दिखा नहीं सकता, ट्रांसपेरेंट है तो बाहर से आपको दिख, आप बाहर से देख सकते थे यहाँ कितना हेल्पफुल है। और भैया ने इसका प्राइस क्या? इसका प्राइस 100 के आसपास है, 100। आप ठेले पे भी आजकल जूस पियोगे तो 60-50 को तो आराम से मिलता है, 60 रुपये। हाँ, जिसमें से सामने वो मेरे आँख के सामने पानी डाल रहा है, मैं उसको कुछ बोल भी नहीं सकता हूँ। और यहाँ तो देख ही रहे हो, जामुन का जूस कहीं पे भी नहीं मिलेगा, जामुन का जूस ये भी, हाँ ये भी बहुत इम्पोर्टेंट बात है हमारे पास। तो अभी एक बार टेस्ट कर, भैया को भी टेस्ट करते हैं, कैसा लग रहा? प्रॉपर जामुन का जो टेस्ट आ रहा है ना, जैसे कि अभी इस मौसम में जामुन तो मिलता नहीं है, लेकिन जो मिस करते हैं भाई ये आके ज़रूर पियो जामुन। और भी हमारे पास जूस के ऐसे आइटम हैं जो सिर्फ हम ही देते हैं और हमेशा अवेलेबल हमारे पास ही रहते हैं। यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट सारे आइटम ट्राई किए हुए हैं, लेकिन मैंने अभी इतना ऑर्डर क्यों नहीं किया क्योंकि मुझे अभी थोड़ा प्रॉब्लम वेट का, इसलिए मैं आप लोग के लिए बस इतना ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। और मैं सोचा था कि आरा में जब इतनी अच्छी चीज़ मिल रही है तो बहुत सारे लोगों को अभी पता नहीं है कि राज कचौड़ी आरा में बस एक ही जगह मिलता है और यहाँ पे ही मिलता है। तो मेरा मोटिव बस यही है कि लोग एक बार ज़रूर आए यहाँ पे और ट्राई करें। और आरा का राज कचौड़ी से नाम फेमस हो सके, आरा का राज कचौड़ी, और वो भी जो है चाट लॉन्ज में मिलता है, बस बस यही है। और बाकी आप दोनों मेरे चैनल का थोड़ा शॉर्ट आउट कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और इनका इंस्टा हैंडल है आतिश कुमार सागर, सही है, कुमार सागर। और चाट लॉन्ज आरा से हमारा फेसबुक आईडी भी है, इंस्टा आईडी भी है, आईडी भी उस पर भी आपको इंक्वायरी कर सकते हैं, और उस पर हमारा व्हाट्सअप नंबर भी दिया हो उससे भी जुड़ सकते हैं। अगर अगर आपको और कुछ भी जानना है तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए, मैं सारा वहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो इस वीडियो को आप लाइक करना, शेयर करना, और कैसा लगा ये ज़रूर कमेंट में बताना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, ये ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना।